इस क्वेश्चन में देखो एक बात है कि ये सब मतलब यहाँ पे ये देखो, ये सब जो एबीसीडी अपने जो सेट्स दिए गए हैं ना, वो दिए गए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम इसको करने के लिए मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका है कि पहले अपन एबीसीडी को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस जेड डिनोट द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जीरो, नहीं तो जीरो भी नहीं होता, वो तो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है, तो वन टू थ्री डॉट 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 एन तक होती है। ठीक है, ये हो गया। अब बी सेट देखते हैं। बी सेट क्या है, एक्स इज इक्वल टू थ्री एन एंड एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन अगर इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -1 0 1, और यहां से आ जाएगा डॉट डॉट डॉट, इधर भी आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सी इवन थ्री एन है, सॉरी सॉरी, ये -3 और 3 हो गया। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे -6 होगा, ऐसे डॉट 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 करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, सी वाला सेट क्या, एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, -1 -2, ऐसे डॉट 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 करते करते -1 तक रहेगा। और डी क्या है, -∞ से -1 तक रहेगा। ठीक है, और डी क्या है अपना, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, एक्स अपना ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर्स कौन से हो जाते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, 1 3 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -1 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स, ये हो गया अपना टेबुलर फॉर्म में। आप वैसे चाह, हाँ और हाँ एक बात याद रखना कि ये जो इसका आंसर देना पड़ेगा ना अपन को, इसका आंसर अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा। ये तो ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टेबुलर फॉर्म में अपन ने लिख लिया। तो अपन पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन सी, तो मतलब ए और सी में क्या कॉमन है। देखो इसमें अपन को पता चलेगा कि 1 2 3 4 एंड तक है और सी में सब नेगेटिव है, तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला बोल रहा है ए माइनस बी। देखो ए क्या है, देखो बी का एक भी एलिमेंट ए में नहीं आएगा, तो बी का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये वाला तो पूरा सेट कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जो ए में जो एलिमेंट है, तो इसमें से 3 नहीं आएगा, आगे 6 वो भी नहीं आएगा, आगे 9 नहीं आएगा। तो ए माइनस बी को अपन लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या, तो अपन लिखेंगे एक्स एक्स बिलोंग एक्स इज एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि देखो बी माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव वाले तो सारे माइनस ही हो गए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये बात तो पक्का है, क्योंकि ए वाले सारे रखने हैं। बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, समझ में आई। देखो क्योंकि 3 वाले जो सारे मल्टीपल्स है ना, वो सब देखो बी वाले सेट में आ रहे हैं, और बी वाला सेट अपन को पूरा माइनस करना है, तो बी वाले के सारे ही चले गए, और जो बी सेट के एलिमेंट जो ए में होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि माइनस में तो यही होता है, तो सारे मल्टीपल चले गए 3 के, और बाकी सारे पॉजिटिव नंबर बचे हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में अपन से क्या पूछा है, थर्ड वाला यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अपन को लिखना ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि अपन को क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा है, ये तो मैंने ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं भी लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपन से क्या पूछा है, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए क्या है, सारा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, और डी क्या है, सारा ऑड इंटीजर। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे कैसे, पहले तो अपन मन में सोच लेते हैं कि आंसर क्या होगा। आंसर देखो, वन सारे पॉजिटिव इंटीजर तो रहेंगे, ठीक है, अपन को नेगेटिव ऑड इंटीजर्स के बारे में देखना है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तो एन तक पूरा रहेगा, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है, तो ये सेम वाले तो लिखे ही जाते हैं। तो अपन को देखना है नेगेटिव वालों के लिए क्या करना है। वन क्यों नहीं लिखा जा रहा है, इंटीजर वन इस तो फर्स्ट कोड इंटर सम एग्जांपल माइनस बेटा। इस क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ है, यहाँ पे एक चीज होनी चाहिए थी, एक्स एक्स बिलोंग एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे एक वर्ड आना चाहिए था पॉजिटिव,
तो अगर अपन पॉजिटिव करेंगे तो ये वाली पूरी ब्रांच कैंसिल हो जाएगी, -1 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 पहला पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो ये भी 1 से 1, 3, 5 ऐसे करते करते ये 2n-1 तक जाएगी। ये कहाँ तक जाएगी? 2n-1 तक। अब अपन से पूछा है कि ए यूनियन डी क्या होगा। तो देखो ए सारे पॉजिटिव नंबर, उसमें अगर अपन यूनियन कर दें कि डी का, तो वो भी मतलब ये है तो पॉजिटिव नंबर ही ना, भले वो ऑड हो या इवन हो, पर ए तो हमारा जो है उसमें तो सारे ही नंबर आ रहे हैं ना, जितने भी हैं, जितने भी नंबर हैं तो वो सारे आ रहे हैं। तो ए यूनियन डी क्या हो जाएगा? ए यूनियन डी हो जाएगा एक्स, एक्स इज सॉरी एक्स बिलोंग्स टू कर दो जेड पॉजिटिव, दैट इज इक्वल्स टू ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन।